ये आप कैसे बता सकती हैं कि आपकी मॉम अच्छी है या बुरी? क्या उसे आपको बिगाड़ना चाहिए या बस हमेशा अच्छी तरह पेश आना चाहिए? चलिए हमारे नए वीडियो में पता लगाते हैं। क्या हुआ बेटा? मुझे चोट लग गई। अरे नहीं, बहुत ज्यादा लग गया है। अरे हाँ, मेरे पास पट्टी है ना? देखा, मॉम के पास हर मुश्किल का हल होता है। अब लेटो, आराम करो। थैंक्स। सच में माँ कितना ख्याल रखती है। माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है। अच्छा बताओ, जब देखो रोना गाना। लो मेरी पट्टी ले लो। मॉम, हमें तो इन्फेक्शन बचाना है, उसे फैलाना नहीं है। हो गया, अब मैं चली सोने। मेगन, सामने देख कर चलो ना। अरे ये क्या किया? मुझे माफ कर दीजिए माँ। उफ, कितनी बार कहा है कि चलते वक्त फोन मत देखा करो। सच बहुत निराश किया है तुमने मुझे। पता है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। चलो जल्दी साफ करो। ठीक है माँ। लो, आज तो अच्छी माँ भी काफी सख्त हो गई है। अरे नहीं एमिली, संभल कर। ओह नो। उफ, तेरी तो मैं। डर गई ना? इसमें क्या है, मैं भी गिरा सकती हूँ। मॉम, आप ग्रेट हो। क्या फर्क पड़ता है? मेगन के लिए माँ ने एक शानदार बर्थडे सरप्राइज बनाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। हे जीना, मुझे लगता है कुछ जल रहा है। अरे नहीं, सारी मेहनत बेकार हो गई। ये लो बेटा। अरे तो पूरा जल गया है मॉम। वो कहते हैं ना, चाहे जला हुआ हो, माँ का प्यार तो प्यार ही होता है। हे, मैं छिपी हुई हूँ। चलो बढ़िया मूवी देखी जाए। हेलो। हाँ? ओ, बचा आओ। माँ ये मैं हूँ, आपको डरा रही थी। हाँ? उफ, मुझे हार्ट अटैक आ जाता बेटा। इस बीच एमिली ने अपनी मॉम को डराने का फैसला किया है। हे, तुम तो बढ़िया पॉपकॉर्न खा रही हो। तुम्हारी मॉम तो डरने का नाम ही नहीं ले रही एमिली। आप प्लीज एक मिनट के लिए मेरा हाथ पकड़ सकती है? चल हट, आराम से मूवी देखना दे। अरे आप तो डरी ही नहीं। अब ये फैसला आप कीजिए कि किसने किसे डराया। मेगन को माँ ने सुबह सुबह एक बढ़िया सरप्राइज दिया है। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल बेटा, सुबह खाया हेल्दी नाश्ता पूरे दिन आपको एनर्जी देता है। ये लो पैनकेक्स और ऑरेंज जूस। थैंक्स माँ। आपका जवाब नहीं। इस बीच एमिली को जागने के बाद नाश्ते की बढ़िया सुगंध नहीं आती है। अरे क्या हुआ, चलो उठो और सफाई में मदद करो मेरी। पर अभी तो सोने का वक्त है मॉम। पूरा घर चकाचक दिखना चाहिए, समझी? सच में प्यार दिखाने का बड़ा अजीब तरीका है जीना। मेगन और उसकी मॉम साथ में मूवी देख रहे हैं, पर अब काफी देर हो गई है। ओह मेरा बच्चा, रुको मैं तुम्हें सलाह देती हूँ। चलो पैर ऊपर करो।
ब्लैंकेट ओढ़ो और अब आराम से सो जाओ। सुहाने सपने देखना मेगन। यहाँ एमिली और उसकी मॉम को भी नींद लग गई है। ओह, ये सो गई। परफेक्ट। अब इसे मैं यूज करूंगी। किसी से कहना मत। ये लो बेटा। अरे रुको, अपना लंच ले जाना मत भूलना। अरे वाह, काफी लजीज लग रहा है। तुम्हारा गरम स्कार्फ, तुम्हारी गरम हैट, ताकि मेरी बच्ची को ठंड ना लगे। ठीक है, थैंक्स मां। बाय मेरी गुड़िया। सुनो मॉम, बहुत भूख लगी है। लो ये ले लो। सिर्फ दो स्लाइसेस? ये क्या है? अगर भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। तहे जीना को खाना बनाने और खिलाने दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है ना जीना? सच में साफ सुथरे घर में वापस आने की बात ही कुछ है। टीवी पर क्या चल रहा है? हाँ, ये क्या है? अच्छी माँ तो बुरी मॉम में बदल गई। उफ, बूढ़े औरतों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, बेवकूफ। हाय मॉम, कैसी हो? ले मुझे वो दो। क्या हुआ? चुपचाप अपने रूम में जाओ। आज सारे स्नैक्स मैं ही खाऊंगी। देखें कि ये टीवी पर क्या देखती है। ओह, ये सब क्या है? सब कुछ इतना गंदा क्यों है? अब सब साफ करना पड़ेगा। चलो अब देखती हूँ मेरा फेवरेट। ये कैसे कपड़े पहने हैं मैंने, और पूरे घर में कचरा ही कचरा है। अच्छी मॉम ने तो स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। मतलब बुरी मॉम अब बन गई है अच्छी माँ। हाँ, आप सफाई कर रही हैं? मुझे दिन में सपने दिख रहे हैं क्या? हाँ, तुम भी करोगी बेटा। अब हम आराम से बैठ सकते हैं। अरे ये घर किसने साफ किया? चलो अच्छा है, आज मैं पूरे दिन आराम से लेट कर टीवी देखूंगी बस। लो, आखिर सब वापस आ ही गए अपने असली रूप में। मेगन की माँ बहुत ही जिम्मेदार लेडी है, खासकर जब बात बर्तन धोने की आती है। वो हर बर्तन चकाचक करके छोड़ती है और हर बर्तन को अपनी सही जगह पर रख कर ही दम लेती है। हाँ, ठीक ही है। हाँ, अरे ये सिंक इतनी जल्दी कैसे भर गया? उफ, फिर से बर्तन मांजने पड़ेंगे। हाय रे किस्मत, आप डिशवॉशर क्यों नहीं ले लेती मेगन की माँ? हे डार्लिंग, तो क्या ख्याल है? हाँ, तुम सही कह रही हो, बहुत बुरी है। और ये कैसी है? मॉम प्लीज। ओ, ये तो प्यारी है ना। हाँ, अब बस कीजिए और मुझे सोने दीजिए। कितना टाइम लगाती हैं आप। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुंदर हूँ? माँ आप बहुत सुंदर हैं। चलिए और ड्रेसेस दिखाइए। थैंक यू बेटा। ओह वाव जीना, काफी जीनियस आइडिया है। हाय मॉम। अरे वाह, ये कितना कूल है। ब्लू आपको बहुत सूट करता है। कैसी हो एमिली की मॉम?
लगता है कल रात कोई बर्तन साफ करना भूल गया था। क्या? अरे हाँ। ये तो सब कुछ उठाकर कचरे के डब्बे में डाल रही है। आपको यकीन है कि ये अच्छा आइडिया है? आपको इनकी जरूरत पड़ेगी शायद खाना पकाने के लिए। हो गई सफाई। ठीक है, आपका घर आपकी मर्जी। खाने का वक्त हो गया है। चलो जल्दी से मुंह खोलो। नहीं, बच्चे और एकदम से बात मान ले, ये कैसे हो सकता है भला? ये आया एक फास्ट प्लेट। चलो चलो। हाँ बढ़िया, एक और आ रहा है। चलो मुंह खोलो। अरे वाह, मेरे पास भी चॉक है, मैं भी पेंटिंग बनाऊंगी इस पत्ती पर। एमिली, तुम्हारे अंदर का कलाकार सोया हुआ ही ठीक था। अरे नहीं, पूरा घर गंदा कर दिया है। ये क्या कर दिया? लाओ मुझे दो बेबी। दुखी मत हो, मेरे साथ आओ। अरे वाह, मेगन ने बेबी मॉम को एक बड़े से बॉक्स में बिठा दिया है। अब वो दिल खोलकर दीवारों पर कलाकारी कर सकती है। परफेक्ट। बेबी मॉम तो गोल गोल चक्कर लगाने पर तुली हुई है। नाना। उफ, शायद इससे कुछ बात बने। देखो बेटा। अरे वाह, बढ़िया। टेप का इस्तेमाल करके एक रुकावटों भरा रास्ता बनाइए। लो इसे पार करो। अरे वाह, मजा। करके देखो। फिर से। अब इसके चक्रों से तुम्हारा सर तो नहीं घूमेगा मेगन। ला 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 ला। अरे वाह, खजाना, ये तो मुझे चाहिए। अब आगा खोलने में मजा। और ये मारा छक्का। कमरे का क्या हाल कर दिया है बेबी मॉम? किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। आपको भी। ओ बेबी मॉम, बहुत बदमाश हो तुम। अब इस हॉरर मूवी की एक मम्मी भी है। बचाओ। नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। उफ, मेरा हाथ बॉक्स तक पहुंच ही नहीं रहा। आउच। मेगन की पीठ में मोच आ गई है। उफ, कितना दुख रहा है। ठीक से चल भी नहीं पा रही। अरे वाह, बढ़िया आइडिया आया है। एक सफेद शर्ट लेती हूँ, एक मार्कर और शर्ट पर ट्रेन की पटरियां बना लेती हूँ। इसे पहन लिया जाए। एमिली, सुनो, मेरी पीठ पर ट्रेन चलाओ ना। अरे वाह, कितनी सारी है। इसे कहते हैं आह से आहा तक। बीबी आसपास नहीं है। बच्चों के होते कैंडी खाना कोई आसान काम नहीं है। अरे नहीं, बेबी मॉम ने मेगन को कैंडी लेते हुए देख लिया। अरे वाह, मजा। ये क्या?
पकड़ी गई। ये क्या किया तुमने एमिली? चलो अब चुपचाप यहाँ आओ। निकाल लो। मेगन ने बेबी मॉम को सिर्फ सब्जियाँ खाने की सजा दी है। ये रहा तुम्हारा लंच। नहीं, कैंडी। कैंडी? वो तो मैं खाऊंगी, तुम बस देखो बेबी मॉम। तुम्हें चाहिए? नहीं। यम्मी इन माय टमी। अजी क्या हुआ बेबी? ओले ओले। तुम्हें ये चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ बात नहीं बन रही। ओ शायद इससे बात बन जाए। गुब्बारों को इस पर बांध देती हूँ। एमिली बेटा देखो। ये क्या? अरे वाह बलून। कम से कम रोना धोना तो बंद हुआ। मेगन बेबी मॉम को अपने साथ स्कूल लाई है। अरे उसे तो देखो। हाँ ये। ऐसा हेडेक किसे चाहिए? ओ चलो बेटा तुम इधर बैठो। ये यहाँ क्यों आई? जी बच्चे ये मुझे दिखा। ये क्या है? ए हाथ धो रखा आपने, समझी ना? मुझे ये चाहिए। एक बढ़िया आइडिया है। एमिली ये देखो जादू। अरे वाह। ओह कूल। सच में बच्चों और स्क्रीन का नाता न कभी टूटा है न टूटेगा। बेबी मॉम अपने खिलौनों से खेलने में बिजी है। पर चलो बेबी नहाने का वक्त हो गया। नहीं चलूंगी। अब क्या करूं? मुझे पता है ये कैसे मानेगी। कैंडी टाइम। इससे तीर सीधा निशाने पे लगेगा। अजय पापा कैंडी। वन कैंडी टू कैंडी। इतनी सारी? ये क्या? आ जाओ एमिली। मजा। चलो पूल के अंदर। सच इस तरह बहरा फुसला के नहलाने का मजा ही कुछ और है। बेबी मॉम घुटनों के बल पूरे रूम का चक्कर लगा रही है। अरे नहीं मामा। क्या हुआ? लगा। ओहो बहुत दुख। हाँ मेरा बच्चा चलो इसके लिए कुछ करते हैं। मेगन ने बेबी मॉम की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ तोड़ो मेरा मतलब खेलो। अब ये गिरे टकराए तोड़ फोड़ करे कोई डर नहीं। मजा। वर्क फ्रॉम होम किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासकर जब आपका बच्चा भी हो। मैं अभी आती हूँ बेटा। मैं भी मम्मी जैसा काम कर सकती हूँ। मम्मी की नौकरी तो गई। मजा आ गया। अरे ये क्या? अरे मेरा प्यारा बच्चा, एक बढ़िया आइडिया आया है।
ये लो। अरे ये तो नकली कंप्यूटर है, वो भी एक बबल रैप कीबोर्ड के साथ। अब मम्मी करेगी वर्क फ्रॉम होम और बेबी करेगी प्ले फ्रॉम होम। चलो नाश्ते का वक्त हो गया। अरे ये क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रही? बहुत बोरिंग है माँ। इसे कूल बनाना होगा। देखो बेटा, ब्रेकफास्ट बोर्ड। वाओ कूल है। अब बताओ ये कहाँ रखोगी? और ये यहाँ पर। वाह जेसिका, तुम्हारे ब्रेकफास्ट बोर्ड ने तो नाश्ते को बोरिंग से कूल बना दिया, यानी फन भी और हेल्थ भी। चलो खत्म करो। चलो कुछ नट्स खा लो। ची, नट्स भी कोई खाता है? दूर रखो। कुछ तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। अरे हाँ आइडिया, हेजल नट्स को पॉपिट टॉय की खाली जगहों में भर दीजिए और उन पर डाल दीजिए यमी चॉकलेट। ये तो खाओगी ना बेटा? यम्मी। मजा आ गया। शेयरिंग इज केयरिंग मामा। ये क्या, शैतान ने पूरा बाउल खाली कर दिया? मुझे पता है उसकी आंखों में धूल कैसे झोंकना है। लो मैं मिला तो बाउल भर के ब्रोकली ले आई। शेयरिंग इज केयरिंग बेटा। माफ करो। मुझसे सोच समझ कर पंगा लिया करो, अब शांति से बैठकर खाऊंगी। यम्मी। माँ मैंने सारी कैंडीज खा ली, और दो ना। कुछ हेल्दी खा लो बेटा। नहीं। ओ, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी, आखिर मेरी ही बेटी है। अंगूरों को कैंडी के रैपर्स में लपेट देती हूँ। बेटा सुनो जरा। अरे वाह इतनी सारी कैंडीज। तू शेर तो मैं सवा शेर बेटा। लूसी सोफा के आसपास लट्टू की तरह चक्कर लगा रही है और उसके पेरेंट्स टीवी देखने में बिजी हैं। आ लगा। मामा बहुत दुख रहा है। अरे नहीं। अरे मेरा बच्चा, खेलना तो बंद नहीं कर सकते। अरे हाँ आइडिया, मेरे साथ चलो बेटा। लीजिए पॉपिट टॉयज का एक और इस्तेमाल। अब ये जी खोलकर गिर, मेरा मतलब खेल सकती है। यहाँ लूसी मजे से आइसक्रीम खाने में बिजी है। ये क्या, पर सारी आइसक्रीम पिघलकर टेबल पर गिर रही है। ऐसा नहीं चलेगा। वाह जवाब नहीं आइसक्रीम का। अभी ठीक करती हूँ बाप बेटी को। वाह टेबल साफ रखने का कितना बढ़िया तरीका सोचा है। डार्लिंग डाइट तो अगले हफ्ते से करना है ना? थोड़ी प्रैक्टिस कर लो जान। लूसी ने तो फर्श को ही कैनवस बना दिया है। अरे नहीं इसे साफ करने में घंटों लग जाएंगे। एक आइडिया आया है। इधर आओ बेटा। देखो इससे और अच्छे से पेंट होगा। चलो अब देखें। वाह इसे कहते हैं मास्टरपीस। मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। कभी कभी बच्चों के साथ वक्त बिताने से तगड़ी भूख लग जाती है।
मेरे लिए है ना माँ? हाँ ले लो, बाद में खाऊंगी। आइडिया, ये मुझे शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ये क्या है? कुछ नहीं, पेंसिल है। मेरे पास बहुत सारी है। खा गई ना धोखा? मजा आ गया। म्याम 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 म्याम। शॉपनर देना बेटा। बढ़िया। एमिली अपनी छोटी बहन को हेल्दी चीजें देना चाहती है, पर उसे जूस पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है इसका लुक बदलना पड़ेगा। बस जूस को फैंटा के कैन में भर दो। लो, अब तो पियोगी ना? यही तो मुझे चाहिए था। थैंक यू गॉड, कितना यम्मी है। हाँ, थैंक यू हेल्दी जूसेस पीने के लिए। अरे, इतनी दुखी क्यों हो एमिली? गोल गोल में घूमूंगी तो मैं हैरान कर दूंगी, आगे और पीछे सर के ऊपर। हे भगवान, बच्चों में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? ये लो, अब जेकब भी कुछ करेगा। सुबह सुबह क्या हो रहा है? आइडिया, ये मैं ले सकती हूँ प्लीज? आगे और पीछे सर के ऊपर। अरे ये क्या कर रही हो? अरे एमिली, कुछ तो छोड़ देती। तुम यहाँ बैठो बेटा और बैठी रहो। लो चलो मुंह खोलो। अरे वाह, इसे ब्रोकली पसंद है। उफ, जेकब कब तक ऐसे बैठे रहोगे? जाओ कुछ तो पहन लो। चलो, ब्रश करने का वक्त हो गया। आज एमिली का दिन बहुत ज्यादा बिजी है, पर लगता है उसे सब काम रोककर अपने भतीजे को ब्रश करना सिखाना होगा। मैं अभी आई। पिज्जा का खाली बक्सा लीजिए, उसे ओवल आकार में काटिए, फिर उस पर बोतल के कुछ सफेद ढक्कन चिपका दीजिए। बीच में जबान लगाना मत भूलना। और उस पर फैला दीजिए कुछ गंदगी। देखो बेटा, ये है ब्रश करने का सही तरीका। मुझे करने दो ना। बहुत अच्छे, अब ये कभी नहीं भूलेगा। आ जाओ चुटकू, लंच बन गया है। देखो आज तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। अरे ये क्या? उफ, लगता है दिन भर से हाथ नहीं धोए हैं। रुको, एक पेपर पर हाथों के आउटलाइन बनाइए, उसे एक पारदर्शी बाउल के नीचे रखिए। अब उसके अंदर पानी भर दीजिए और उस पर छिड़काइए काली मिर्च। आपने देखा, साबुन मिर्ची के कणों को दूर धकेल देता है। देखा, साबुन इस्तेमाल करोगे तो हाथों की गंदगी दुम दबाकर भाग जाएगी। अरे वाह, चलो अब फटाफट हाथ धो लेते हैं। अरे वाह, कितना खुश होकर हाथ धो रहा है। अब हो जाए पेट पूजा। मेरी चॉकलेट, वाह ये तो मेरी फेवरेट है। अरे घर में तो एक छोटा चोर भी है। अरे मेरी चॉकलेट कहाँ गई? समझ गया, ये एक नन्हे चोर का काम है। एक किचन हुक को दरवाजे पर लगाओ और दूसरे हुक को साइड में लगाओ। अब दोनों को रबर बैंड से जोड़ दो। अब आएगा मजा। मुझे वो चॉकलेट चाहिए। अरे नहीं, इतनी चॉकलेट दांतों के लिए अच्छी नहीं है बेटा। आखिरकार अब आराम से बैठकर चॉकलेट खाऊंगा। अकेले अकेले खाना बुरी बात है जेकब। हे कबूमर्स, तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मजा आया ना?
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमें एक थम्स अप दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे।